हम करेंगे मार्शमेलो आइसक्रीम। एक कप फुल फैट कच्चा दूध लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ 1 टेबलस्पून लिक्विड ग्लूकोज डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर पैन रखकर उसमें दूध का मिश्रण ऐड करेंगे। इस मिश्रण को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर होने के कारण बैटर नीचे लग सकता है। लगभग 6 से 7 मिनट में मिश्रण रेडी होता है। मिश्रण रेडी है, गैस बंद करेंगे, मिश्रण ठंडा होने देंगे। एक बड़े बोल में बर्फ के टुकड़े डालेंगे। जिस बोल में क्रीम व्हिप करनी है वह बोल इस बोल के ऊपर रखेंगे। उसमें 1 कप चिल्ड मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। शुरू में 1 से 2 मिनट तक लो मीडियम स्पीड पर व्हिप करेंगे। आइसक्रीम बेस करते समय व्हिपिंग क्रीम लिक्विड फॉर्म में और चिल्ड होनी जरूरी है। बाद में हाई स्पीड पर सॉफ्ट पीक आने तक व्हिप करेंगे। ये देखिए, इतना सॉफ्ट पीक चाहिए। बोल निकालकर अच्छे से पोंछ लेंगे, पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। व्हिप क्रीम रेडी है, उस पर छन्नी रखकर दूध का तैयार मिश्रण और 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करके स्ट्रेन कर लेंगे। कंडेंस मिल्क की रेसिपी के लिए आई बटन पर क्लिक करें। बीटर से मिक्स करें, इससे मिश्रण अच्छे से मिक्स होगा। आइसक्रीम बेस रेडी है। दी हुई सामग्री से 1 लीटर आइसक्रीम तैयार होता है। मैंने इसमें से 1/2 बेस ले लिया है। प्लेन बेस के डिटेल जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इसमें 1/2 कप चॉप्ड मार्शमेलो, 1 टेबलस्पून चॉप्ड बादाम, 1 टेबलस्पून चॉप्ड काजू और 1/2 टीस्पून मावा एसेंस डालकर मिक्स करेंगे। ये आइसक्रीम छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आप 1 लीटर आइसक्रीम बनाना चाहते हो तो सामग्री की मात्रा दुगनी करें। इंग्रेडिएंट की लिस्ट वीडियो के आखिर में देख सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून स्प्रिंकल्स डाल के मिक्स करेंगे। ये आइसक्रीम एयरटाइट कंटेनर में रखकर 10 से 12 घंटों के लिए सेट होने रखेंगे। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो किसी भी बोल में ये आइसक्रीम डालकर उस पर क्लिंग रैप लगाकर सेट होने रखें। आइसक्रीम सेट हो चुका है। लीड पर जो पानी है वो आइसक्रीम में गिरने न पाए। ये आइसक्रीम फिर से फ्रीज में रखते समय लीड पोंछकर ही रखें। मार्शमेलो आइसक्रीम रेडी है, मार्शमेलो से गार्निश करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।